गिरता है तो राहुल राम के बच्चे पर खूब गिरता है। वो अपना सबको बताता है, आने के बाद प्रदर्शन भी किया, परंतु हमारा शोभा यात्रा थी, हम ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक निकले। श्रीमान आप यही थे, आपने आश्वासन दिया कि कार्रवाई पूरी अच्छे ढंग से होगी, आज तक नहीं हुई। सुनो एक बार, आपने अपनी कार्रवाई अपने ढंग से की, परंतु धार्मिक जुलूस है, वो धार्मिक शोभा यात्रा है, उस पर विघ्न डालना धाराएं कौन सी लगती है? हम लोगों ने जली हुई है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नॉन बेलेबल होती है, बेल नहीं होती उसकी। आपने अपने स्तर पर कर ली कार्रवाई, पर जो होनी चाहिए थी अगर वो हो जाती तो शायद कल की घटना नहीं होती। कल की घटना होने उसी में जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कह के किया है कि तुमने, तुम्हारे कारण से हम लोगों ने मार खाई। अब कितनी खाई क्या खाई वो एक अलग बात रह गई, परंतु इसको उकसाने वाले वो पूरा एक गिरोह चल रहा है। आप देखो कल की जो घटना थी, ये बच्चे डर के मारे भाग गए थे, यहाँ तक नहीं पहुंचे। इस बीच में वो लोग आकर अपनी FIR दे के थाने में चले जाते, ये योजना पूर्वक नहीं है तो क्या है? यहाँ किस किस तरह की योजना इन लोगों की चल रही है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। हम लोग इस पर अगर नहीं सजग हुए तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएगी। तो इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके जो जो आता है, जो जो उनका नाम लेते हैं, जो जो उनसे जुड़े हुए हैं, दो छोटे बच्चों को वो छोड़ते हैं, दो छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, उनको पता है कि जाएगा अंदर जाएगा और 2 महीने 3 महीना मैक्सिमम 6 महीने से बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो उनको आगे कर देते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इनके तथाकथित लोग अभी जो हुआ नहीं, आपने कार्रवाई की, तुरंत चले जाएंगे कोर्ट में, कम से कम 50 लोगों की लाइन लग जाएगी उनकी जमानत कराने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? हम कब तक इस बात को चुपचाप सहन करते रहेंगे? हम इस बात को आपके माध्यम से, इनके जो तथाकथित लोग हैं जो इस बात को इन लोगों को प्रश्रय देते हैं, उन प्रश्रयी लोगों को तुरंत उन पर कार्रवाई हो। आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह पता है कि जब तक ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है ना, और बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक किस तरह का चलेगा? हम प्रशासन से पुनः कहते हैं कि कल वाली घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तो ठीक है ये वहां से भाग गए, और अगर नहीं भागते तो शायद इनके शब्द है कि भाई ये कहा कि तलवार लेके आओ, चाकू लेके आओ, यानी उनकी योजना पूरी थी। और ये लोग अपने स्थान से उसी समय हट गए, इनको थाने में आते आते 1 घंटा लगा, इतने डरे हुए थे। किसी ने कि हमारे कार्यकर्ताओं में से किसी ने मनोबल बढ़ाया, हमारे लोगों में से मनोबल बढ़ाया कि थाने में FIR करनी जरूरी है, अगर नहीं की तो कोई पता नहीं पड़ेगा। परंतु हमसे हम जब तक इस तरह के कृत्य को विरुद्ध खड़े नहीं रहे ना, आज राहुल और कृष्णा है, कल और कोई हो सकता है। आप देखो हमारी वर्षों से बागपुर वाले बालाजी अभी भी थाने के अंदर। हम सोए हुए हैं, कब जागेंगे? जागना तो पड़ेगा। प्रशासन से जो बात करनी, जो जिस समय करनी थी, जैसी करनी वहां हमें करनी पड़ेगी। और आप देखते हो कि ये जो क्षेत्र है ना, लंबे समय से शांत नहीं है। आज हमला करता है ना, कबूतर आंख बंद कर लेता तो देखते हैं कि बाज ने हमला नहीं करेगा, वो अपना काम कर रहा है, हम आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। आखिर कब तक? आप देखो कि छोटी मोटी घटना होती रहती, पर उनके साथ कौन खड़ा है वो नहीं करता, वो आगे हिम्मत नहीं करता, पुलिस थाना तक आने की हिम्मत नहीं करता। हिंदू समाज में हम लोगों को जागृति लानी पड़ेगी, हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये इंगित करते हैं जो
देखते हैं कि ये कमजोर है समाज का, उस कमजोर व्यक्ति पर हमला करते और देखते हैं कि इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने लग गया तो कहते हैं ये तो यादव है, ये तो जाटा है, ये तो माली है। हम लोग कब तक पढ़ते रहेंगे? हमारी किसी तरह से और भी बातें ये तो रखी है, उसके अतिरिक्त भी बातें हैं। हम ये मांग करते हैं आपसे कि आप श्रीमान एस महोदय को यहाँ बुलाए, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और नागपुर वाले बालाजी के लिए जो वर्षों से हमारे थाने में अभी तक भी है उनके लिए भी हमें बात करनी, और भी जो विषय है आप तक सीमित रह जाएगा। हम ये चाहते हैं कि उन तक पूरा पहुंचे और जो भी है हम आप आता है। आप देखो कि एक मदरसा जो कभी नहीं चला, नायकवाड़ी में चल रहा है, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही है, कौन ध्यान देता है, कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार है। उसके अतिरिक्त और भी जो ये रास्ता जाता है, जिस रास्ते पर अपना जो अन्नपूर्णा माता जी का रास्ता है, वहां भी इसी तरह की अवैध गतिविधियां चल रही है, कौन देखेगा? जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अपन अन्नपूर्णा माता जी की तरफ जाते हैं, रास्ते में इनका एक स्थान पड़ता है, वही इनकी एक मदरसा और चलता है, वहां भी इसी तरह की अवैध गतिविधियां चलती है, उन गतिविधियों को कौन देखेगा? आगे ये जिम्मेदारियां तय तो करानी पड़ेगी। हम उसी के लिए आए, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एसपी साहब यहाँ आए और हमारी इन मांगों को, इन बातों को पूरा सुने और उन पर कार्यवाही हो। तो हमारा आपका ही एक मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं, इसीलिए हम मांग करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आपको है ना एक और आपको जानकारी होगी, पर आप लोग इसमें शायद नहीं होगा, हम लोगों की इधर से आना जाना ज्यादा रहता है, आप बहन बेटियां भी पैदल चलती है और ये लोग चबूतरे पर बैठे हैं। बिल्कुल भैया सही बात, ये बंद करा दो आप, ये बंद कराएंगे, ये क्या है? ये क्या है? आने जाने वाले लोगों पर कमेंट्स करते हैं, आजकल वीडियो भी बनाते हैं, मानसिक बने कुप्पली हुई है, वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा, उनका आधार क्या है? अगर ये जो चबूतरियों के अलावा इन दुकानों पर बैठे रहते, जो इनके मीट वगैरह की जो दुकान है यहाँ बैठे रहते, आप इनको नहीं रोक सकते, कैमरे पर फोटो लेते हैं, बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, ये आपको नहीं पता, ब्लैकमेल करके उनसे पैसा मांगते हैं। जो लोग सम्मान वाले लोग हैं वो देखते हैं हमारे समाज में कि सम्मान गिर नहीं जाए, वो पैसा देके फैसला करते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हमें प्रशासन को, एसपी साहब महोदय को, कलेक्टर महोदय को बता दी। ये विषय आप देख रहे हैं, अच्छा है, और आप इसको आगे से आगे देखो, परंतु जो बातें हमें उनसे करनी है वो उनसे करनी। इसी के लिए हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय और श्रीमान एसपी महोदय को क्या बुलाया जाए, जिनके सामने हम अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। आपके मन में जो बातें हैं वो सबके मन में वही बातें हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, रात को पकड़ के नहीं, बात ठीक है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं नी वो ये थाने की पुलिस जो है या डिप्टी साहब उस पर निर्णय नहीं कर सकते। ये जो मकान है, जिस मकान के व्यक्ति ने कल जो हमला किया है और जिस मकान से उसने थूका गया है, हर दिन तक यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई जुलूस को लेकर इसी मकान पर हुई है,
और ये पूरा मकान जो आगे निकला हुआ है अवैध निकला हुआ है, इसके कारण धीरे धीरे करते हुए पहले बात करनी थी उसको अंदर ले दिया, पूरी रोड डाल गई इस पे कार्रवाई कलेक्टर और आयुक्त कर सकता है। घटना हुई थी उनके घटना को हल्के में लिया गया, पकड़ा था कोई बात नहीं, दूसरे समय पकड़ा था कोई विवाद नहीं हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, वहां तक धन्यवाद के पात्र है। लेकिन किसी शोभा यात्रा पर थूकना और थूकने के बाद केवल नहीं करना, ये इस चीज को दर्शाता है कि पुलिस ने उस घटना को या उन लोगों को हल्के में लिया था, उसका परिणाम है कल है हो सकता है हत्या भी हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता। उस समय भी हमने कहा था कि आप प्रकरण दर्ज करिए, नगर पालिका को प्रकरण दर्ज करवाना था, नगर पालिका की शोभा यात्रा थी, पुलिस वहाँ खड़ी थी, उनको प्रकरण दर्ज करवाना था क्योंकि शोभा यात्रा नगर पालिका द्वारा आयोजित थी, लेकिन जान बूझ के नहीं की गई और नहीं की गई, उसका परिणाम यह हुआ इन्हीं लड़कों में से एक लड़के को उस दिन थूका गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको दिखता है पूरी मस्जिद बन गई है, वहाँ क्या बोलो नहीं, मैं ऊपर जाते हैं पुलिस का कंट्रोल रूम है, पीछे भोजनशाला थी उसमें कब्जा कर लिया है पुलिस का, वहाँ कंट्रोल रूम है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। व्यक्तिगत बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं है, अब आप देखिए नगर में इस प्रकार कई घटनाएं हो रही है, कांगोली में घटनाएं हो रही है, कांगोली में अवैध मस्जिद बन रही है, लेकिन प्रशासन पुलिस को सब जानकारी है लेकिन कोई नहीं रुक रहा, रुकवाते कब है कहते हैं आप एप्लीकेशन ले दो, और उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति इस कारण से फिर व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट नहीं लेता है, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है घूम के इस प्रकार की कोई घटना हो रही है स्वयं रोके, लेकिन ये संज्ञान नहीं लेते नहीं रोकते, केवल घटना होने के बाद एक बार हम सबको सुकून करने के लिए ताजा कर सकते हैं गिरफ्तार करके और कार्रवाई करके छुट्टी करते हैं। हम ये चाहते हैं जो समस्या है उसका समाधान हो, जो हथियार रखे हुए उनकी जाँच हो, पिछले 15-20 सालों में हथियारों की जाँच नहीं हुई, और यदि पुलिस को लगता है मैं कहता हूँ कि पुलिस को लगता है कि हिंदुस्तान के मकान में छोटा है धान के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने देश में जाते हैं अंदर हथियार पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, नीचे बरसाते हैं, सामने बात रखेंगे और उनके सामने बात रख के समाधान लेके जाएंगे, और समाधान लेके जाएंगे समाधान नहीं होता है उसमें आगे क्या करना है हम सब मिलकर जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं वो यहाँ आवे, हमारी बात सुनने के लिए उनके अधिकार से हमारी बात है, आप वहाँ तक पहुँचाएंगे तो बात बात ही नहीं है, हम सबको भी पता है एक अधिकारी को अपने स्तर के लोगों से बात करने में उनकी जिम्मेदारी की विषय होती है, इसलिए मेरा निवेदन है वो आवे और बात करेंगे उनसे। राजनर थाने के अंदर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं, खासतौर से राजसमंद शहर के अलावा कुंभलगढ़ नाथद्वारा रेलमगरा आमेट से भी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और लगातार यहां पर लोग राजनगर थाने में पहुंच रहे हैं, और हालांकि बड़ी तादाद में लोग राजनगर थाना परिसर के अंदर हैं, बाहर भी हैं, और कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा कुछ जगह अलग अलग लोगों को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं
हम जा रहे हैं, अगर आप कर दे तो ठीक है, तो हम जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है, उनका साथ दे रहे हो तुम लोग। राजनगर थाना के अंदर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं, नारेबाजी किए जा रही है, आक्रोश जताया जा रहा है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि राजनगर थाने में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक पहुंचे और वे उनकी बात सुने, और कलेक्टर और एसपी को थाने में बुलाने की मांग को लेकर सभी लोग अड़े हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर भी पहुँचे हैं और वो भी वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव समझे इसके प्रयास में जुटे हुए हैं बड़ी तादाद में, लेकिन लोग आक्रोशित हो गए हैं।